डीएक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स बी माइनस ए सो हमारे पास हमें क्या चाहिए था हमें चाहिए था इंटेग्रल एफ एक्स डीएक्स होना चाहिए था तो हमें f of x recognize सबसे पहले सो एफ ओफ एक्स क्या होगा एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करके हमें लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन मिले ठीक है तो एफ ओफ एक्स हम लिखते हैं एफ ओफ एक्स हम कंसिडर करते हैं वन अपॉन वन माइनस एक्स टी है वो बिलोंग कर रहे जीरो से लेके एक्स के बीच में और जो एक्स के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि एक्स लाई कर रहे हैं जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर हो सकते हैं अब क्लियरली जो एफ है हमारे पास वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल जीरो से एक्स के बीच में इस वजह से अ फंक्शन एफ क्या हो जाएगा रिमन इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा

तो हमारे पास m की वैल्यू क्या निकलेगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f ऑफ t सच दैट जीरो हमें लेफ्ट एंड दैट इज इस वाले एंड पे हमें इसकी लोअर बाउंड फाइंड करना है तो वो क्या होगा f ऑफ एफ फोर्फ जीरोन वन माइनस जीरो फाइनली इसका आंसर आएगा आपके पास वन के बराबर और कैपिटल m की वैल्यू क्या होगी कैपिटल m विल बी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ

डी टी लेस इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स कैपिटल टू इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा वन अपॉन वन माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा लोग ऑफ वन माइनस टी माइनस और लिमिट्स जीरो से लेके एक्स तक लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स सो ये होगा हमारे पास एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ वन माइनस एक्स माइनस लॉग ऑफ वन माइनस जीरोन वन माइनस एक्स फर्दर लॉग वन की वैल्यू जीरो के इक्वल होती है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा एक्स लेस देन माइनस लॉग वन माइनस एक्स लेस देन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन लेस देन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स और अगर हम इनक्वालिटी चेंज करें हम इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स अपॉन वन माइनस एक्स ग्रेटर देन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन ग्रेटर देन एक्स फोर जीरो वन के लिए कि x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है सो so यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज आपके पास क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग uh, है इस वजह से हम इक्वालिटी साइन को स्किप uh, कर सकते हैं यहाँ से कि जैसे यहाँ पे इक्वालिटी साइन है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं ठीक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें जो प्रूफ करना था वो स्ट्रिक्ट इन इक्वालिटी प्रूफ करनी थी तो इस वजह से हमने ये कंसिडर किया है फाइनली इस क्वेश्चन में ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या थी कि आपके पास जैसे लास्ट साइन वाले क्वेश्चंस में आ, आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता था

अगर ये प्रूफ करने की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसका प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि आप ये शो कर दो कि F ये ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में तो डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल निकालो डेरिवेटिव की वैल्यू डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक और क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स जैसे कि 2002 में 2004 में और 2012-13 में काफी बार पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन सो आपको ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना इसे करके जाइए थ्री मार्क्स में ये पी यू एग्जाम्स में पूछा जाता है और मोर ये यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन